नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार। कैसे हो सभी भाइयों? और जैसा कि मैंने आज बताया था तुम लोगों को कि आज मैं आपको एज के सवाल कराने वाला हूं, आयु के सवाल हम लोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और आज आपको मैं, देखिए रोज हम लोग सवाल लगा रहे थे लेकिन आज सवाल नहीं दूंगा, आज मैं आपको बकायदा प्रैक्टिस एक कह सकते हो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि एज से आपको दो सवाल आपके पेपर में मिलेंगे, ठीक है ना मित्रों? तो जो दो सवाल मिलेंगे वो छूटने नहीं चाहिए, और जिस तरह के सवाल आते हैं मैं वही टाइप आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? पहले ये समझ लिया जाए कि एज में कितने तरह के सवाल आते हैं आयु में, ठीक है ना? तो जल्दी से दोस्तों पहले संख्या बढ़ाइए फटाफट। नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार एक बार फिर से मेरी तरफ से, सभी को राम राम। और दोस्तों बिना समय गवाए हुए फटाफट जुड़िए और शेयर करिए, एक बार फटाफट से तुरंत शेयर करिए, क्योंकि आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है एज, ठीक है? तो जो बच्चे सीरियस हैं पढ़ने को लेके, चाहते हैं कि सर मेरा बीएसटीसी निकल जाए, आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि पेपर 30 तारीख को है। और कई बच्चों का अभी भी ये कमेंट आ रहा है, मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही कि अभी भी आप ये कमेंट कर रहे हैं सर क्या पेपर कंफर्म है। अरे भैया, कई बार बताया जाए आपको कि पेपर एकदम क्लियर एंड कट हो चुका है कि इस तारीख को होगा, कोई डाउट नहीं है भाई इसमें। अगर आप इसमें डाउट कर रहे हैं तो आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता, आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने चैनल पे ऑफिशियल नोटिस भी ला दिया है, जो सरकार राजस्थान सरकार ने हमारी दिया हुआ है, मैंने वो नोटिस भी अपने चैनल पर लगवा दी हुई है। देखिए आपको चैनल पे वो नोटिस मिल रही होगी। तो मित्रों अगर इसके बाद डाउट है, यानी बेटा एक वही हाल है कि सामने खाना परोसा गया है और पूछ रहे हो खाना बन गया है, यानी इसे बहानेबाजी कहते हैं और कुछ नहीं कहते, इसे बहानेबाजी कहते हैं। कई लोग कहते हैं अरे यार हमको तो पता ही नहीं था, तो होता तो मैं निकाल लिया होता। बेटा ये ख्याली पुला बनाना सबको अच्छा लगता है, वास्तविकता की जमीन पर आओ। वास्तविकता ये है कि तुमको कुछ नहीं आता, तुम जीरो हो और तुम बहाने मार रहे हो, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों। तो इस तरह की मिसबिहेविंग ना करें, ठीक है? और बिल्कुल क्लियर कर ये ध्यान रखिए बेटा कि आज हम लोग एज के सवाल देखने वाले हैं। अभी संख्या बहुत कम है बेटा, जल्दी से एक बार शेयर करें फटाफट, सभी मित्र अपने सभी ग्रुपों को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग एज का टॉपिक देखेंगे जो कि अपने एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है, दो प्रश्न मिनिमम इसके बीएसटीसी में आते हैं और पीटेट में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बीएसटीसी, पीटेट और जेल प्रहरी, ये जो है आपके इन दोनों तीनों एग्जामों में इसके दो सवाल 100% आते हैं, और ये एक ऐसा सेक्शन है जो मैथ में भी है और रीजनिंग में भी है। ये दोनों का एक कॉमन टॉपिक है जो आपको मैथ के सिलेबस में भी मिलता है और रीजनिंग के भी सिलेबस मिलता है, इसीलिए बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है ना? चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। ध्यान देना, इसमें तीन टाइप के प्रश्न बनते हैं, टोटल लाके तीन टाइप के प्रश्न बनते हैं। वो तीन टाइप क्या क्या है तो ध्यान देना। पहला टाइप होता है जिस प्रश्न में दो या तीन लोगों का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, दो तीन लोगों का नाम लिया गया हो और उसमें से किसी एक का ईयर दे दिया, कितने साल का है ये बता दिया गया। जब किसी का साल बता देगा तो आसानी से हम उसी से छोटा बड़ा प्लस माइनस करके निकाल लेंगे, है ना? दूसरा टाइप ऐसा होता है जहां पर चीजें दो लोगों की होती हैं, तीन लोगों की होती हैं और उनके बीच अनुपातिक संबंध होते हैं, जैसे वो इनका आधा है, वो इनका तीन गुना है, वो इनका चार गुना है, इस तरह की लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं। और चौथा प्रश्न जो होता है वहां पर दो चर मान के काम करने पड़ते हैं जिसे हम लोग एक्स और वाई कह सकते हैं। तो आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि पहले दो टाइप आपको पहले बताऊंगा, क्योंकि बीएसटीसी में यही दो टाइप है, और पहले मैं बेसिक से बताऊंगा और फिर देखना मैं आपको एक ही ट्रिक पर सारे सवाल करा दिखा दूंगा, एक ही ट्रिक पर सारे सवाल मैं करा के दिखा दूंगा। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, आज प्रैक्टिस वाला हाल नहीं है कि बस सवाल दिखाया जवाब देना, नहीं, आज हम लोग बकायदे इसकी क्लास पढ़ेंगे, है ना? आज आप लोगों की क्लास है, इसलिए एक बार जल्दी से बताएंगे कौन कौन रेडी है, कॉपी पेन के साथ बैठेंगे मेरे साथ में, और जल्दी से रिप्लाई करेंगे कौन कौन तैयार है आज की क्लास के लिए, जल्दी से एक बार रिप्लाई, बिल्कुल बिल्कुल बताइए कौन कौन लोग
हमारे साथ तैयार हैं आज के टॉपिक के लिए। एक बार जल्दी से रिप्लाई आना चाहिए, फटाफट रिप्लाई मिलना चाहिए और मैं टॉपिक शुरू करने चल रहा हूं। सवाल के साथ हूं, सवाल पर ही मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। जल्दी से बताएं, फटाफट जल्दी से मित्रों। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बार शेयर करो यार, संख्या तो बहुत कम है भाई, रोज के मुकाबले तो आज हम लोग बहुत कम पे चल रहे हैं। आज टॉपिक है लेकिन फिर भी इतना कम तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जल्दी से शेयर करो बेटा, थोड़ी सी संख्या को बढ़ाओ, है ना। वेरी गुड। देखो लक्ष्मी कह रही है यस सर, सुमन कह रही है यस सर, भानु का जवाब है रेडी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही आपसे उम्मीद है कि बेटा अगर हम लोग चाह लें तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन हिम्मत बांधनी पड़ती है। चलिए मैं शुरुआत करता हूं बिना समय गंवाए हुए। हम लोग पहले बेसिक देखेंगे, है ना, हम लोग पहले बेसिक देखेंगे और फिर हम लोग उसी को शॉर्टकट पे करेंगे, है ना। जहां शॉर्टकट होता है वही लगाया जाएगा, हर जगह शॉर्टकट नहीं लग सकता। कुछ सवाल ऐसे हैं जो बेसिक पर ही होते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हमारे सामने पहला सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए पहला प्रश्न जो आपके सामने दिया हुआ है ये रहा। अब देखिए इसमें ना, ये अपने पहले टाइप का प्रश्न है जिसमें एक बंदे की उम्र दी गई। देखिए ध्यान से सवाल को पढ़ा जाए तो कहा जा रहा है महेश की आयु 60 वर्ष है। देखिए एक बंदे का उम्र दे दिया है, है ना। आगे बढ़ते हैं, राम महेश से 5 वर्ष छोटा है। ये सबसे आसान सवाल है, ये एज के सबसे आसान सवाल होते हैं क्योंकि इसमें उम्र दी हुई, ये अपना काम आसान कर देती है, है ना बेटा। तो देखिए अगर इसको सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले महेश की उम्र लिख लो। तो देखिए दोस्तों, महेश की उम्र इसने आपको कितना बताया हुआ है, 60 वर्ष, है ना। महेश की उम्र कितनी हो गई, 60 वर्ष हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राम जो है, देखिए राम महेश से 5 वर्ष छोटे हैं। छोटे मतलब कम है, यानी जो राम की उम्र हो जाएगी दोस्तों, तो राम की उम्र के लिए क्या कर दें, 60 में से 5 घटा दीजिए, तो राम की उम्र कितनी आ गई, 55 वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब देखिए इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, यही है पहला टाइप एज का, ठीक है ना। आगे बढ़ें, और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, यानी देखिए राम की जो उम्र है वो 55 साल है और कहा जा रहा है कि ये राजू से 4 साल बड़ा है। तो 4 साल बड़ा है यानी कि राजू जो होंगे वो इससे 4 साल छोटे हो जाएंगे, यानी कि 55 और 4 कितना हो गया, माइनस कर लो 51 हो गया। यानी देखिए दोस्तों, राजू की उम्र कितनी हो गई, 51 वर्ष हो गई। यहां तक हम लोग आ गए दोस्तों। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करूंगा, यहां तक हम लोग आ चुके हैं। अब देखिए राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, एक लड़का और है जिसका नाम क्या है दोस्तों, बाबू नाम है इनका। तो चलो भाई इनका भी नाम ले लेते हैं, यहां पर बाबू है और इनके बारे में क्या है, वह उससे 6 वर्ष छोटा है। यानी कि जो बाबू है वो राजू से कितना छोटा है, 6 वर्ष छोटा है, यानी इसमें से 6 वर्ष माइनस कर दीजिए। अब दोस्तों बाबू की उम्र कितनी आ गई, तो 45 वर्ष आ गई। देखिए बाबू की उम्र कितनी हो गई, 45 वर्ष हो गई। देखिए अपने पास सबकी उम्र आ चुकी है। अब प्रश्न क्या था कि महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है, महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है। यह किसी भी दो का पूछ सकता था, यह उसी मर्जी है, है ना। उसने क्या पूछा है, इनकी और इनकी आयु का अंतर पूछा है। तो देखिए दोस्तों, महेश की उम्र कितनी है, 60 वर्ष, और बाबू की उम्र कितनी है, तो 45 वर्ष, और दोनों का अंतर चाहिए। तो क्या कर लो दोस्तों, 60 में से 45 माइनस कर दो, आंसर कितना हो गया, 15 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। क्लियर हो गया होगा, जल्दी से एक बार रिप्लाई देंगे, ये समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं, इसको ज्यादा कराने की जरूरत नहीं होती। चलिए लिखता हूं, बिल्कुल सही जवाब, देखिए वेरी गुड। बहुत जल्दी से कमेंट करेंगे, सबको समझ में आया कि नहीं आया ये प्रश्न, एक बार जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई करिए, समझ में आया कि नहीं आया। यही पहला टाइप है कि जहां पर किसी न किसी एक बंदे की उम्र आपको दे दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। यही पहला टाइप होता है जहां पर हम लोगों को किसी न किसी एक बंदे की उम्र दे दी जाती है। तो समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे, फटाफट रिप्लाई करेंगे दोस्तों, जल्दी से। यस, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ाऊ, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब यहां से एक टाइप बस ये एक ही रखा हूं, पहले टाइप का एक ही सवाल मैंने लिया है, क्योंकि इस तरह के सवाल बड़े आराम से हो जाते हैं, इस पे ज्यादा समय देने की जरूरत
नहीं है। लेकिन दूसरा टाइप वाला सवाल बहुत समय लेता है, नॉर्मली लड़के उसको एक्स मान काम करते हैं। मैं भी आपको पहले बेसिक में एक्स से बताऊंगा, लेकिन फिर मैं आपको उसकी ट्रिक दिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दो पर अगर हम लोग आ जाए मित्रों, या देखिए ये प्रश्न आप देख रहे हैं, देखिए जहां पर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, यहां पर दो लोगों के बीच में क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया। बेटा देखिए आपको लैंग्वेज को समझना होगा कि किस लैंग्वेज पे मैं क्या कर रहा हूं, यह समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहां प्रश्न क्या है, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। ध्यान देना दोस्तों, ये वही सवाल है जो कल के पेपर था, मैंने कहा था कल बता दूंगा, ये वही प्रश्न है। कई लोग सोच रहे होंगे सर जी ने टाल दिया, नहीं बेटा, चूंकि एज का सवाल था और मैं आज एज पढ़ाने वाला था तो इसीलिए मैंने आज के लिए रख लिया इसको, ठीक है। तो देखिए रहीम और उसकी चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग कितना हो जाए बेटा, 66 वर्ष हो जाए, तो चाचा की आयु क्या होगी, यानी चाचा जी की वर्तमान आयु हम लोगों को बतानी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया, दो तीन बार जरा इस पहली लाइन को बोलिए, पहले बुद्धि यहां चलानी, पहली लाइन क्या है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष अंतर, मतलब समझ रहे हैं कि अगर रहीम की आयु, देखिए ऐसे करते हैं, अब पहले बेसिक समझिए एकदम इसका, माना रहीम की आयु बराबर x, क्योंकि क्या बोला गया कि रहीम और उसके चाचा की आयु में x 30 साल का अंतर है, तो अगर रहीम की आयु x है तो उसके चाचा की आयु कितनी होगी बेटा, चाचा की आयु कितनी हो जाएगी, तो ये चाचा की आयु बराबर x प्लस 30। क्लियर, कोई डाउट किसी को यहां तक में? देखिए एकदम सिंपली, उसने चाचा जी हैं तो चाचा जी बड़े होंगे, रहीम छोटा होगा, क्लियर सी बात है। तो भैया रहीम की उम्र अगर x है तो चाचा जी की उम्र क्या होगी बेटा, रहीम की उम्र में 30 साल बढ़ा दीजिए, बस हो गया, x प्लस 30 हो गई चाचा जी की उम्र। अब आते हैं अगली, देखिए इस लाइन पे, रहीम और उसके चाचा की आयु में कितने का अंतर है, 30 वर्ष का अंतर है, ये हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, 7 वर्ष बाद, अब 7 वर्ष आगे जाना है, है ना, तो पहले 7 वर्ष बाद इन दोनों की उम्र निकाल लो फटाफट। तो देखो दोस्तों 7 वर्ष बाद, अब देखिए सबसे पहले रहीम की आयु ले लीजिए, अभी मैं शॉर्टकट भी दूंगा, परेशान मत होइएगा, मैं अभी आपको डिटेल दिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों रहीम की आयु 7 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो देखिए रहीम की अभी की आयु कितनी है, x है, रहीम की अभी की आयु कितनी है, x है, तो 7 साल बाद कितनी होगी बेटा, बताइए जरा, रिप्लाई करिए, 7 साल बाद कितनी हो जाएगी, x है तो x में 7 बढ़ा दो, मतलब जितना अभी है उससे 7 साल ज्यादा, यानी कि दोस्तों रहीम की आयु हो जाएगी x प्लस 7। क्लियर है, हां, यहां तक बात समझ आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अब भाई रहीम की आयु होगी तो चाचा की भी आयु निकाल लो, तो चाचा की आयु हो जाएगी, देखिए चाचा की आयु कितनी थी, x प्लस 30, x प्लस 30, तो इसी में 7 बढ़ा दो, हो गया, ये हो गई चाचा जी की आयु, देखिए रहीम की आयु x प्लस 7 और चाचा जी की आयु यानी इसमें 7 साल और बढ़ा दिए। अब सवाल क्या था कि 7 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात, देखिए दोनों की आयु का योग आप लोग जानते हैं ना, योग किसे कहते हैं, टोटल, योग का मतलब प्लस यानी टोटल। तो देखिए दोस्तों इसने क्या बोला है, अब उसी को लिखते हैं कि ये सवाल ऐसे होते हैं जिनको बस इसकी लैंग्वेज पे काम करते हैं और कुछ नहीं किया। देखिए क्या बोला था, 7 साल बाद दोनों की आयु का योग कितना है, 66, तो 7 साल बाद रहीम की आयु ये है ना, रहीम की आयु वो हो गई और उसके चाचा की आयु ये हो गई, तो इन दोनों को टोटल कर दिया जाए, टोटल कितना आना चाहिए, 66 आना चाहिए, क्योंकि यही तो बोला है ना, 66 वर्ष है, यानी देखिए x प्लस 7 ये होगी रहीम की आयु, ठीक है, प्लस x प्लस 30 प्लस 7, देखिए रहीम की आयु ये हो गई, चाचा की आयु ये हो गई,
दोनों का योग कितना है बेटा, कितना है देखिए यहां पर 66 है, कितना है बेटा 66 है, यानी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 66। देख रहे हैं बेटा, एक ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा फटाफट। कल हमको एक बच्ची ने, प्रियंका ने इसका जवाब भेजा है और बिल्कुल राइट आंसर भेजा है। वेरी गुड, वेरी गुड, देखिए बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए इसको सॉल्व कर देता हूं और थोड़ा सा। अब देखिए यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना, सॉल्व कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यक्स प्लस सेवन प्लस यक्स प्लस, और देखिए इन जोड़ लीजिए तो 30 और 7 37 हो गया है ना, इज इक्वल टू 66 हो गए। अब देखिए दोस्तों, यक्स और यक्स जुड़ गए, 2x हो गया है, और ये 7 और 37, देखिए ये और ये, इन दोनों को जोड़ो तो 44 इज इक्वल टू 66 हो गया। क्लियर है, है ना। अब देखो इसीलिए यक्स बराबर, और देखिए 2x ले लो, 44 को उधर भेज दो, तो 44 जब इधर आएगा तो 66 माइनस 44 हो जाएगा दोस्तों। देख रहे हैं, 66 माइनस 44 हो जाएगा, यानी कितना हो गया बेटा, 22 हो गया। अब देखिए 22 हो गया तो सीधी सी बात है, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना हो गया, 11। देखिए यक्स का मान आ चुका है कितना, 11। यक्ष का मान आ चुका है कितना, 11। और ये उम्र उन्होंने किसी मानी थी, यक्ष का मान किसकी उम्र थी, रहीम की उम्र थी, यानी रहीम की अभी की उम्र कितनी है दोस्तों, तो 11 साल है। रहीम इस समय कितने साल का हो गया, 11 साल, क्योंकि यक्ष जो था वो रहीम की उम्र थी। देखिए एक बार देख लीजिए उम्र, देखिए यक्ष जो था वो किसकी उम्र थी, देख रहे हैं, रहीम की आयु कितनी हो गई यक्ष, तो यक्ष का मान अभी हम लोगों का कितना आया है, 11। तो अगर रहीम की उम्र 11 है तो चाचा की उम्र क्या हुई बताइए। देखिए अब यहां पर x का मान हम लोगों को कितना मिल गया है, 11 मिल गया, तो भैया चाचा जी की उम्र कितनी हो जाएगी, तो देखिए x की जगह 11 रख दीजिए तो 11 प्लस 30 कितना हो जाएगा बेटा, तो चाचा जी की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 11 प्लस 30 इज इक्वल टू 41, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, जल्द से एक बार जवाब देंगे, समझ में आया कि नहीं आया, ये पूरा बेसिक मेथड। क्योंकि देखिए सवाल ऊपर क्या सवाल था, कि रहीम और उसकी चाचा के बीच की आयु का अंतर 30 है, तो बेटा अगर रहीम की उम्र आज x साल है तो उसके चाचा की उम्र कितनी होगी, x प्लस 30 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला था 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद यानी कि 7 साल के बाद, ठीक। तो अब देखिए 7 साल बाद पहले रहीम की उम्र निकाल लीजिए, तो रहीम की आज की उम्र यक्ष है, तो 7 साल बाद कितनी होगी बेटा, जितना आज है उसमें 7 जोड़ दिए, यानी कि देखिए 7 साल बाद रहीम की उम्र कितनी हो गई, यक्ष प्लस 7 हो गई। तो भैया रहीम की उम्र होगी तो चाचा की भी उम्र निकाल लो, तो चाचा की उम्र आज की इतनी है, यक्ष प्लस 30 है, तो 7 साल बाद कितनी होगी, तो यक्ष प्लस 30 में 7 और जोड़ दो तो यक्ष प्लस 37 हो जाएगी। बोला गया था कि दोनों की आयु का योग 66 है। कहने का सेंस बेटा, यक्स प्लस 7 जो रहीम की उम्र है और चाचा जी की उम्र जो है, दोनों को अगर जोड़ दें तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, 66 आना चाहिए, यही तो बोला गया था, ठीक। अब देखिए फटाफट इसको सॉल्व किया तो यक्स का मान कितना आ गया, 11 आ गया। तो यक्स का मान 11 आ गया, इसका सेंस ये हुआ दोस्तों, इसका सेंस ये हो गया कि इसकी उम्र हम लोगों को कितनी मिल गई, 11। किसकी उम्र है, तो रहीम की उम्र है, किसकी उम्र है, रहीम की उम्र हो गई कितनी, 11 साल। तो चाचा जी 30 साल बड़े थे, तो भैया 11 में 30 जोड़ दो कितना होगा, 41 होगा, यही आपका राइट आंसर है। देखिए यही तो हमारा आया है 41, बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, थोड़ा सा हार्ड है, परेशान मत होइए, मैं ट्रिक दिखा रहा हूं, ये ट्रिक नहीं है, अभी ये बेसिक है, ये बेसिक है बेटा, ट्रिक तो अभी आई नहीं, इतना लंबा चौड़ा कोई ट्रिक होता है यार, ट्रिक ये थोड़ी हुआ, ये बेसिक है, ट्रिक नहीं है। अब मैं आपको इसका ट्रिक दिखाता हूं, नोट हो गया कि नहीं हो गया जल्दी से बताइए, पहले नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, जल्दी से एक बार रिप्लाई देंगे फटाफट, जल्दी से बताइए बेटा कि नोट हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से एक बार रिप्लाई देंगे मेरे को, तो मैं इसको मिटा के और फिर यहां ट्रिक दिखाऊं, जल्दी से जवाब दीजिए, नोट हो गया, जल्दी से बताएंगे, नोट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से रिप्लाई करें बेटा, जल्दी से एक बार रिप्लाई करें, नोट हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से रिप्लाई देंगे, नोट हो गया, नोट हो गया, वेरी गुड, जल्दी से। देखिए बेटा एज है, इतना आसान मत लीजिएगा,
रीजनिंग के कुछ ही टॉपिक तो हार्ड हैं, कैलेंडर हो गया आपका, फिगर काउंटिंग हो गया, घड़ी हो गई, और आपका ये हो गया एज। ये कुछ टॉपिक ऐसे जो बहुत हार्ड हैं। मैंने पहले क्लॉक पढ़ाया है, कैलेंडर पढ़ाया है, फिगर काउंटिंग पढ़ा चुका हूं, एज मैं पढ़ा रहा हूं। ये देखिए एज में जो मेन मेन टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ा रहा बकायदा, हो गया है नोट। चलिए ठीक है बेटा, वेरी गुड। जिसने नहीं नोट किया भी, देखो चेहरा मत देखो बाबू, यहाँ पर आज सवाल लग रहे हैं, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपको मैं क्लास देता हूँ वैसे पढ़ा रहा हूँ बकायदा, आज सवाल नहीं लगा रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, आज मैं सवाल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, नोट करिए बेटा, नोट करने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको, अब इसको शॉर्टकट पे करेंगे, है ना, जल्दी जल्दी इसको मिटा करके फटाफट हम लोग शॉर्टकट पे आते हैं और देखा जाए शॉर्टकट पे ये काम कैसे होता है। जल्दी से चलिए, तो यहां पर हम लोग हैं, चलिए देखा जाए, समझ लीजिए इसको फटाफट। चलिए देखिए सॉर्ट करते हैं बेटा, इसको सॉर्ट कर दिया जाए। हाँ एक मिनट थोड़ा सा समझाएंगे, थोड़ा सा स्क्रीन पर देख लिया जाए, टच स्क्रीन से इस काम नहीं कर रही है। चलिए इतने में काम हो जाएगा, इतने में मैं समझा देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले लेते हैं रहीम, जो दो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक तो हो गए रहीम और दूसरे कौन है भाई, इनके चाचा जी हैं। अब देखिए ये ट्रिक हो रही है, ट्रिक को ध्यान से देखिए, अब ट्रिक की बारी आ चुकी है, अभी तक हम लोग बेसिक पे लगाए, अब ट्रिक की बारी है। देखिए अब ट्रिक पे हम लोग चलाएं, ट्रिक कैसे काम करती देखिए। पहला काम फटाफट दोनों का नाम लिखा है ना, इसने क्या बोला था सवाल देखिए, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, यानी अगर रहीम की उम्र यक्ष हो गई तो चाचा जी की उम्र यक्ष प्लस 30 हो जाएगी, क्लियर है। अब बोला गया 7 साल बाद, कहने का सेंस अगर 7 साल बाद की बात करें तो देखिए 7 वर्ष बाद, अब देखिए दोस्तों 7 वर्ष बाद रहीम की उम्र कितनी हो जाएगी, यस प्लस 7, और चाचा जी की उम्र कितनी हो जाएगी, यस प्लस 37, और दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 66। यही तो बोला गया है कि देखिए 7 वर्ष बाद रहीम की उम्र कितनी हो गई, यस प्लस 7, चाचा जी की उम्र हो गई यस प्लस 37, दोनों का टोटल कितना हो गया 66 हो गया। जल्दी इसको सॉल्व कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है, अब बस को सॉल्व करना है। देखिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए यक्ष यक्ष 2 यक्ष हो गया इज इक्वल टू, अब देखिए यहां 66 पहले से है ना, 66 पहले से है, और जो इधर है वो है 37 7 और कितना हो गया 44, तो 37 7 कितना हो गया 44 हो गया, तो 66 में से 44 तुरंत घटा दो कितना आ जाएगा 22 आ गया, तो यक्ष बराबर बेटा कितना आ गया 11 आ गया, यक्ष बराबर कितना आ गया 11 आ गया। देखिए अब यक्ष का मान 11 मिल गया, तो चाचा जी की उम्र 11 प्लस 30 कर दो, यही है चाचा जी की उम्र कितनी दोस्तों 41, यही आपका आंसर, देख रहे हैं बस इतने में आ गया आंसर, देख रहे हैं, कुछ नहीं करना, दोनों का कॉलम बना लेना है, कॉलम बना के जो चीज आप डिटेल में कर रहे थे उसको शॉर्ट में कर दिए। कैसे करेंगे, रहीम की उम्र यक्ष है तो चाचा की उम्र यक्ष प्लस 30 हो गई, 7 साल बाद बोला है, अरे देखो ये 7 साल पहले होता, 7 साल पहले होता तो हम माइनस कर देते है ना, x माइनस 7 कर देते, लेकिन चूंकि बोला है 7 साल बाद, तो 7 साल बाद यानी कि x प्लस 7, ठीक है ना, बाद बोला है तो प्लस हुआ है, पहले बोलता तो माइनस करते, ठीक है, 7 साल बाद x प्लस 7 रहीम की उम्र हो गई, और चाचा जी की उम्र x प्लस 30 में 7 बढ़ाते तो 37 हो गई, और उसके बाद दोनों का योग बोला है ना, अगर अंतर बोलता तो माइनस करते, अंतर बोलता तो माइनस करते, लेकिन बोला है योग बताइए, तो योग का मतलब टोटल करेंगे, टोटल कर दिए तो कितना हो गया 66, फटाफट इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे क्या मिला, तो यक्ष और यक्ष 2 यक्ष हो गए, और देखिए 37 और 7 44 हो गए,
इसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो 66 में से 44 निकल गए, बचे कितने 22, और 22 को देखिए 2 एस से इधर से डिवाइड किया 2 से, तो ये कितने हो जाएंगे 11, कितने हो गए 11, और 11 मिल गया यक्ष समान। तो देखिए रहीम की उम्र अगर 11 हो गई तो चाचा की उम्र में 11 + 30 यानी कि 11 में 30 जोड़ दीजिए 41 हो गया, यही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया बोलिएगा, जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट जल्दी से रिप्लाई देंगे। ऐसे जितने सवाल हो ना बेटा उनको ट्राई जरूर करिए, देखिए एक सवाल में ट्रिक नहीं बैठेगी दिमाग में, आपको ऐसे खूब ढेर सारे सवाल लगाने पड़ेंगे, जब ढेर सारे सवाल लगा लोगे तो ये याद हो जाएगा, और अगर नहीं लगाओगे तो परेशान रहोगे, समझो बेटा कहने का। तो इसे ध्यान देना, ऐसे सवालों को खूब लगाइए, इतना लगाइए कि वो चीज एकदम याद हो जाए, तब मजा आएगा, है ना दोस्तों। क्लियर हुआ, समझ में आया, बोलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्लियर हुआ, रिप्लाई करेंगे दोस्तों फटाफट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा। एक बार शेयर करो यार, एक बार शेयर करो, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, बच्चों को बुलाओ, दिखाओ कि यार हम लोग पढ़ते ही हैं, रोज सवाल ही नहीं लाते सही गलत, आज हम लोग पढ़ भी रहे हैं, बताइए उनको, शेयर करिए कि देखिए पेपर के पहले एकदम मेन समय पर क्या क्या चीजें दी जा रही हैं, कितनी बढ़िया चीजें दी जा रही हैं, जल्दी से बार शेयर करो बेटा, फटाफट शेयर करो, तो मैं अगला सवाल ओपन करता हूं, तो आप लोग शेयर करिए जल्दी से, और नोट करिए इसको जल्दी से, जल्दी बताइए। देखिए बेटा बराबर नहीं लगेगा, ये अब हमारी कैलकुलेशन पर है, जिसकी मैथ अच्छी मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छा वो इसको मौखिक लगा लेगा, और जिसका जोड़ घटाना गुणा भाग कमजोर भैया उसको तो कोई भी सवाल लगाना है तो मुश्किल, सीधी सी बात है बेटा। अगर आपका जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छा तो ये बहुत जल्दी होगा, और नहीं अच्छा है बेटा उसके लिए तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है ना। तो चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ता हूं बिना समय गंवाए हुए, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए आपकी स्क्रीन पर है ये रहा। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया कि 3 वर्ष पूर्व, क्या बोला गया देखिए, 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्री की उम्र की 7 गुनी थी, है ना, ध्यान से देखिएगा 7 गुनी थी, ये हो गया एक जगह पे, है ना, ये रहा देख रहे हैं, यहां पर एक सेंटेंस खत्म होता है कि बोला गया है कि 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना थी, ये ध्यान रखना कितना गुना है 7 गुना है, कितना गुना है 7 गुना है। अब देखो दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि वर्तमान आयु मान के काम कर लेते हैं, मत करो वर्तमान आयु, जब भी ऐसा प्रश्न हो तो जितने साल पहले की बात कर रहा है ना उसको मान लो उम्र में, उसको मान लो, कैसे मानोगे अभी मैं उसकी ट्रिक भी दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया ट्रिक, पहले बेसिक देखो, पहले बेसिक देखो इसका, देखो बेटा इसने बोला है 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ना ये, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व मान लेते हैं पुत्र की, देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा बेसिक पे ही चल रहा हूं, देखिए पुत्र की ये मान लेते हैं और पिताजी को यहां मान लेते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, किसकी उम्र, पिताजी की, पिताजी की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी है। तो बेटा अगर मैं पिताजी की उम्र को, अगर मैं पिताजी की पुत्र की उम्र को यक्ष मान लूं, यदि पुत्र की उम्र को कितना मान लूं यक्ष, तो इसकी 7 गुनी पिता की उम्र है, यानी दोस्तों कितनी हो गई 7x, क्लियर है। अगर पुत्र की उम्र अभी यक्ष है 3 साल पहले, तो उस समय पिताजी की उम्र कितनी रही होगी 7x, क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस समय पिता की उम्र, इस समय का मतलब वर्तमान में, इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना है, वर्तमान में पिताजी की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 5 गुना है। तो एक काम करिए, पहले पहले तो दोनों की वर्तमान उम्र निकालिए, तो वर्तमान उम्र कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए वर्तमान उम्र ले लेते हैं, वर्तमान उम्र तो देखिए ये 3 साल पहले की बात हो रही थी ना, 3 वर्ष पूर्व की बात हुई थी, माना गया था, तो वर्तमान उम्र में क्या होगा बेटा यक्ष प्लस 3, ये पुत्र की उम्र हो जाएगी, और पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, तो 7x + 3, ये वर्तमान उम्र हो गई दोनों की। अब देखिए प्रश्न क्या था, हमारे पास दोनों की वर्तमान उम्र आ चुकी है, अब प्रश्न ने क्या बोला है बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ने कहा है ये देखिए, प्रश्न ने कहा है कि वर्तमान में पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है,
वर्तमान में पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी, यानी कि पिता की उम्र क्या है 7x+3, यानी कि दोस्तों देखो 7x+3 = ये पिता की उम्र हो गई, ये 5 गुनी है किसकी, तो 5 गुना, गुना का मतलब गुणा, किसके, पुत्र की उम्र के। तो पुत्र का उम्र कितना हो गया भाई, x+3 हो गया, देख रहे हो गया, बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x का आना जाएगा और फिर वहीं से काम कर लेना है। बोलिए क्लियर पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों देखिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, शायद कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको की कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम आ रही होगी, तो बेटा उसका सॉल्यूशन मैं नहीं दे सकता, उसके लिए आप मैथ की क्लास करिए जरूर, वहां आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा जो 10 बजे से चलती है ना। अब देखिए दोस्तों यहां पर 7x है, यहां 5x है, तो पहले तो क्लियर कर लिया जाए। तो देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा 7x+3 = ये 5 का अंदर गुणा होगा x हो जाएगा, ये x नहीं है, कई लोग इसको x समझ लेंगे, ये x नहीं है, ध्यान देना, एक मिनट बेटा बस थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन सपोर्ट नहीं कर रही, तो मैं बुला रहा हूं टेक्नीशियन यार चेक कर ले, बस तुरंत मैं लाइव ही वीडियो नहीं हो रही है, लाइव हूं आपके साथ, आप लोग लगाइए इसको। सत्यम बस बेटा थोड़ी देर वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग, आ जाओ आ जाओ। बस बेटा थोड़ा सा समय देंगे आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा साइट में प्रॉब्लम हो रही है लिंक इसे पेज पे, थोड़ा सा बस वेट करेंगे सभी लोग। हाँ बेटा सही हो गया, देखिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है ना, चलिए हाँ अब सही हो गया, सब सही हो गया है, बस हम लोग काम करेंगे। देखिए क्लियर है, अभी थोड़ा सा सोई गया तो नहीं भाई, कोई टेंशन तो नहीं हुई, चलिए हाँ कोई बेटा, चलिए शुरुआत करते हैं, सही हो गया है, चलिए देखिए आ जाइए आप। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो आप देख रहे हो ना ये मल्टीप्लाई है, इसको ये मत समझ लेना कि एक्स है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, तो देखिए 5x+ और 5 × 15 हो गया। अब तो दोस्तों यहां पर x है, यहां पर x है, तो x को इधर ले लिया है, तो ये हो जाएगा 7x-5x = 15-3 हो जाएगा, तो 15-3 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, थोड़ा सा और कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर 7x में से 5x जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो बेटा x बराबर कितना हो गया 6 हो गया, x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। देखिए x का मान आ चुका है, और x आपने किसकी उम्र आनी थी, पुत्र की उम्र आनी थी, यानी x की जगह 6 रख दीजिए, तो पिताजी की उम्र बेटा कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी, पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी। अब जरा देखिए बेटा प्रश्न क्या था, प्रश्न क्या था देखा जाए तो पूछा गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, प्रश्न क्या है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, यही प्रश्न है दोस्तों, देख रहे हैं प्रश्न है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु। तो देखिए ये जो था ये 3 वर्ष पहले का था, ये कब का था 3 वर्ष पहले का था, तो वर्तमान उम्र निकालनी है कैसे निकालोगे, देखिए यहां पर वर्तमान उम्र लिखी हुई है, देख रहे हैं ना, तो यक्स प्लस 3 यानी कि 6+3 बच्चे की उम्र कितनी हो गई, इसकी उम्र हो गई 9, एक हो गया। दूसरा देखिए पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, तो 42 है पहले की और 3 और जोड़ दीजिए, तो 42 और 3
45 यानी इनकी उम्र कितनी आ गई, 45 आ गई। आ जाइए ऑप्शन में, देखिए 9 और 45 कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है बेटा, बहुत बढ़िया, जल्दी से। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रिक देखा जाए। कई लोग सोच रहे हैं सही ट्रिक तो नहीं बताए, ट्रिक क्या है, कहे थे आप ट्रिक बताएंगे, तो पहले यह समझ में आ गया कि नहीं आ गया जल्दी से रिप्लाई देंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया तरीका, देखिए उसने क्या बोला था कि 3 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो मैंने मान लिया कि 3 साल पहले पुत्र की उम्र कितनी है, यक्ष है, तो अगर पुत्र की उम्र यक्ष है तो पिता की उम्र 7x हो जाएगी। ठीक, तो वर्तमान उम्र क्या होगी भाई, तो यक्ष में 3 बढ़ा दो, तो यक्ष में 3 बढ़ाओगे तो पुत्र की उम्र हो गई, और 7x में 3 बढ़ा दोगे तो पिता की उम्र हो गई, ये वर्तमान उम्र हो गई। और वर्तमान उम्र में बोला गया था कि पिताजी जो हैं वो पुत्र की उम्र के 5 गुने हैं, पिताजी जो हैं वो पुत्र की उम्र के 5 गुने हैं, तो पिताजी की उम्र बेटा थी 7x+3, ये 5 गुनी है किसके, पुत्र की उम्र के, तो 5 गुने पुत्र की उम्र कर दिया। इसको सॉल्व किया तो यक्ष बराबर 6 आया, यक्ष का मान कितना आया, 6 आया, तो पुत्र की उम्र हो गई 6 साल, है ना, तो पुत्र की उम्र अगर 6 साल हो गई 3 साल पहले, तो पिताजी की उम्र कितनी हो गई 3 साल पहले, 42, और 3 साल बाद यानी आज की उम्र पूछी गई थी, दोनों में 3-3 जोड़ दीजिए, तो 6 में 3 जोड़ोगे तो पुत्र की उम्र आ जाएगी 9 साल, और पिताजी में 42 में 3 जोड़ दोगे तो 45 साल, यही दोनों की प्रेजेंट की उम्र हो गई, यही आपका आंसर होगा। अब बताइए समझ में आया, बिल्कुल, देखिए मैंने दोबारा भी बता दिया बेटा, अब अगर नहीं आया तो अब ट्रिक देखिए, अब ट्रिक मैं समझाने चला हूं, ट्रिक कितना बढ़िया है, इसको देखिए, ट्रिक देखिएगा कितना मजेदार ट्रिक मैं अब आपको इस तरह के सवालों में देने जा रहा हूं, कि यही ट्रिक एज के 90% सवाल तुम्हें लगवा देगी। इस ट्रिक के सहारे चलोगे तो गलती भी नहीं होगा और ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। कई बच्चे कह रहे थे ना सर बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, मैं आपको बता दूं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं इस ट्रिक में बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं। देखिए कितनी आसान ट्रिक है, दिखा रहा हूं आपको, देखिए सबसे पहला काम दोनों को लिख लिया जाए, तो ये हो गए पुत्र और ये हो गए पिता, ऐसे लिख लेना है, देखिए ऐसे लिखिएगा, जब भी गुने वाली बार आ जाए तो ऐसे लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पर मैं आता हूं, चलिए देखिए दोस्तों प्रश्न को देखा जाए, प्रश्न को मैं नीचे कराऊं, देखिए ये 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी है, कहने का सेंस कि अगर हम लोग पुत्र की उम्र 1 मान लें, देखिए शॉर्टकट कैसा है कि पुत्र की उम्र को कितना मान लें 1, तो भाई 7 गुना यार पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 7, क्लियर है भाई, कोई डाउट, क्लियर है। इसने बोला कि 3 साल पहले पिताजी पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी, तो मैंने मान लिया कि पुत्र की उम्र उस समय कितनी है 1, तो अगर 1 है तो पिताजी की उम्र कितनी हुई 7, क्लियर, कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर बोला गया इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी है, दूसरा रेशियो दिया गया, तो देखिए दूसरे रेशियो को अगर हम पुत्र की उम्र 1 माने, अगर हम पुत्र की उम्र 1 माने तो पिताजी की उम्र 5 गुनी, 5 गुनी का मतलब बताइए, 5 गुनी का मतलब यहां पर 5 हो गया, क्लियर है बेटा, यहां तक कोई डाउट। देखिए पहले क्या बोला था कि पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी, तो मैंने मान लिया कि पुत्र की उम्र 1 है तो पिता की उम्र 7 साल हो जाएगी, फिर बोला कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, तो भाई पुत्र की उम्र अगर 1 है तो पिता की उम्र 5 हो जाएगी, क्लियर। अब जो बीच का गैप है उसको लिखना है, तो ये 3 साल पहले का गैप था ना, तो 3 साल जो था उसको यहां लिख दो जितना गैप है, देखिए 3 साल पहले से लेके आज तक की बात हुई थी, तो 3 साल पहले वाले से यहां तक आएंगे तो 3 साल का तो अंतर हुआ आज तक में, तो 3 जो अंतर है वो यहां लिख दिया। अब ध्यान देना, अगर यही एक लाइन 3 साल पहले की होती और दूसरी लाइन 2 साल बाद की होती तो 3 और 2 दोनों को जोड़ देते कितना होता 5 होता, और यहां कितना लिखते 5-5 लिखते, लेकिन चूंकि 3 साल पहले से और आज तक आना है तो 3 साल से यहां तक कितने साल का गैप हुआ, तो 3 साल का गैप हुआ, जितना गैप हुआ वही यहां लिख दिया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले जल्दी बताइए,
जल्दी से भाई दोस्तों, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। बिल्कुल दिनेश जी, पूरा कोर्स मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, पेपर के पहले मिलेगा, ये भी श्योरिटी है, पेपर के पहले मिलेगा, वो भी 3 दिन पहले, 1-2 दिन नहीं, 3 दिन पहले, और भी प्रैक्टिस लेगा। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से रिप्लाई देंगे। ये मैंने कैसे लिखा, रिप्लाई समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट जल्दी जवाब देंगे। रेनु करिए, यस सर, ठीक है। अच्छा चलिए, देखिए अधिकतर बच्चे कह रहे हैं यस सर। देखो बेटा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इसने बोला था कि पिता की उम्र, देखिए पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी। तो भैया अगर पुत्र की उम्र 1 साल तो पिता की उम्र 7 साल हो जाएगी। इसी तरह से 3 साल बाद फिर आगे की बात की गई, आज की बात की गई कि वर्तमान में देखिए इस समय पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी है। तो अगर पुत्र की उम्र 1 है तो पिता की उम्र 5 हो जाएगी। और देखो बात 3 साल पहले से लेकर के आज तक की हो रही है, 3 साल पहले से लेकर के आज तक की हो रही है, तो वो मैंने यहां लिख लिया। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए बस कुछ नहीं कर, देखिए सर कितना आसान तरीका, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और कुछ नहीं करना। देखिए 5 एकम 5 डिफरेंस 7 एकम 7, ठीक है दोस्तों। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 का 1 में गुणा 5 हुआ, 7 का 1 में गुणा 7 हो गया, इतना हो गया। अब देखिए इधर 3 का 1 में गुणा 3 हुआ, 5 3 15 हो गया, और दोनों के बीच में डिफरेंस साइन है ना दोस्तों। अब फटाफट दोनों का अंतर निकालिए, तो 7 और 5 का अंतर 2 हुआ, 15 और 3 का अंतर 12 हो गया। दोनों का कैलकुलेशन कर लिए, 2 एकम 2 2 6 12, यानी 1 और 6 का रेशियो आया, 1 और 6 का रेशियो, यानी अगर यहां 1 है तो ये 6 होगा, यहां 2 रखोगे तो ये 12 हो जाएगा, यहां 3 रखोगे तो ये 18 हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो। अब देखो 1 और 6 आ गया रेशियो, पुत्र की उम्र निकालिए, तो पुत्र की उम्र 1 है, तो 1 के लिए मान कितना है 6, 1 के लिए मान कितना है 6, यानी पुत्र की उम्र कितनी मिल गई 6 मिल गई, क्लियर है। अब देखिए पिता का कितना लिखा है 7, देख रहे हैं कितना लिखा है 7, तो 7 यहां रखेंगे तो 7 का इधर भी गुणा होगा, तो 7 6 42 हो गए। तो पिताजी की उम्र कितनी मिल गई 42 मिल गई। ध्यान देना, ये 3 साल पहले की उम्र थी ना, और वर्तमान उम्र पूछा है, तो वर्तमान उम्र के लिए क्या करोगे, दोनों में 3 3 जोड़ दो, तो भैया 6 में 3 जोड़ दो, तो 6 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और 42 में 3 जोड़ दो तो 42 और 3 45 आएगा, है ना। तो देखिए 9 और 45 आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से रिप्लाई, जल्दी से बताएंगे, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी से बताएं। बेटा कोई बच्चा कह रहा है कि सर इतने टाइम में अगर एक सवाल लगे, बेटा मैंने पहले बताया था आज क्लास चल रही, मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक ये रही जिससे ये सवाल 10 सेकंड में सॉल्व होगा, और बेसिक ऐसा है जिसको लगाने पे 5 मिनट लगेंगे। अब तुम्हारे हाथ में है तुम क्या सीखते हो, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, मैं टीचर हूं, मैं जानता हूं कि बेसिक पे सब लड़के भागते हैं, ट्रिक पे आते हैं, और ट्रिक आपके सामने लगी हुई है, देख लीजिए बहुत ही आसान सा तरीका है। इस तरह से लिखने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का अंतर निकाल के उसका रेशियो निकाल लीजिए, तो 1 6 का रेशियो आ रहा है, तो भैया अगर यहाँ 1 है तो 1 का 6 हो गया, तो पुत्र की उम्र 6 साल, पिता की उम्र यहाँ 7 दिखा रहा है, 7 रखोगे तो 7 का इधर गुणा होगा, 7 6 42 हो जाएगा, पुत्र की उम्र पिताजी की उम्र 42 साल हो गई, 3 साल बाद यानी आज की उम्र पूछी गई थी, तो दोनों में 3 3 जोड़ दिया, 9 और 45, यही राइट आंसर हो गया। कैसी लगी ट्रिक, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से, गजब, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं, और देखिएगा इस तरह के सारे सवाल हम लोग इस पर लगा सकते हैं दोस्तों। इस ट्रिक का फायदा क्या है, ये देखिए, ये रहा क्या बोला गया, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला, एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग कितना है बेटा 60 साल है। अभी हम लोगों ने दूसरे नंबर पर साल ऐसा लगाया है, दूसरे नंबर पर यही सवाल लगा है, ऐसा ही सवाल सेम था, तो जरा जरा लगाएंगे, ठीक है ना, मैं पेन का कलर जरा बदल लूं। चलिए योग 60 साल है, ठीक है, 6 साल पहले
पिता की उम्र बेटे की उम्र की 5 बार थी। देखिए ये मेन लाइन है, 5 बार थी, तो शुरुआत यहीं से करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, शुरुआत यहीं से होगा। फिर बोला गया 6 साल के बाद बेटे की उम्र क्या हो जाएगी, तो अगर हम आज की उम्र निकाल लें 6 साल बाद की उम्र पता चल जाएगी, है कि नहीं दोस्तों। सीधी सी बात है, मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं, देखिए यही से शुरुआत होगी। तो 6 साल पहले पिता की उम्र, पुत्र के उम्र की कितनी है, 5 बार है, 5 बार का मतलब 5 गुना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, यहां मान लेते हैं पुत्र, ये हो गए पिता, क्लियर। अब देखिए इसने क्या बोला है, 5 साल पहले इसने क्या बोला है, 5 वर्ष, 5 वर्ष बोला है ना, कहां गया, 6 वर्ष है, सॉरी इसको 6 बना लीजिए, ये 6 वर्ष है। तो 6 वर्ष पूर्व मान लिया कि पुत्र की उम्र कितनी है, यक्ष है, 6 वर्ष पूर्व मान लिया पुत्र की उम्र कितनी है, यक्ष है। तो भैया पिता की उम्र कितनी थी, 5 बार थी, तो भैया 5x हो गया, कितना हो गया, 5x हो गया। अब देखिए यहां पर अगर देखा जाए आगे, तो आगे क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखो। अब देखिए ये 5-6 साल पहले उम्र मिल गई, तो वर्तमान उम्र निकालो फटाफट और दोनों का योग कर लो, है ना, तो इनकी वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, तो वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र हो जाएगी, देखिए 6 साल पहले ये है, तो इनकी वर्तमान उम्र हो जाएगी यस प्लस 6 और इनकी हो जाएगी 5x प्लस 6, ये हो जाएगी, क्लियर है। अब उसके बाद जो उसने बोला है वो किया जाए, तो इसने क्या बोला था भाई कि 6 वर्ष को देखिए वर्तमान में इनकी उम्र का योग कितना है, 7 साल, वर्तमान में इनकी उम्र का योग कितना है, यानी कि इन दोनों को अगर टोटल कर दें तो ये कितने के बराबर होगा, 60 के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, 60 के बराबर होगा, कितने के बेटा, तो 60 के, कितने के बराबर, तो 60 के बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका योग 60 है, उसको फटाफट सिंपलीफाई करके एस का मान निकाली, तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा देखिए यक्स 5x मिलके कितने हो गए, 6x, और देखिए 6 और 6 कितने हो गए बेटा, 12 हो गए, है ना, 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए, बराबर 60 हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहां पर देखिए ये 6x और प्लस 12 है ना, तो देखिए दोस्तों 6x बराबर 60 माइनस 12 कर दो, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, तो x बराबर बेटा कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए x का मान 8 आ चुका है, और x आपने क्या माना था, देखिए x क्या है, 6 वर्ष पूर्व की उम्र है, 6 वर्ष पूर्व बेटे की उम्र कितनी आ गई भैया, 8 साल आ गई, 6 वर्ष पूर्व बेटे की उम्र कितनी आ गई, 8 साल आ गई। तो भैया पूछा क्या गया, बेटे की वर्तमान उम्र 6 साल बाद क्या हो जाएगी, बेटे की जो उम्र है वो 6 साल बाद क्या होगी, तो 6 साल पहले वो 8 साल का है, 6 साल पहले वो 8 साल का है, तो बताना है कि 6 साल बाद वो कितने साल का होगा। तो ध्यान से देखो दोस्तों, 6 साल पहले उम्र 8 साल का है, तो वर्तमान उम्र के लिए 6 साल जोड़ दो, क्लियर हो गया, और फिर 6 साल बाद का उम्र पूछा है तो 6 साल और जोड़ दो, तो 8, 6, 14 और 6, 20, टोटल मिला के कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया। यही आपका आंसर है कि सर उसके बेटे की उम्र 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 साल हो जाएगी, यही आपका राइट आंसर। देख रहे हैं कितना बढ़िया सवाल है। इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि भैया पुत्र की जो उम्र है वो देखिए 6 साल पहले पुत्र की उम्र का जो पिता की उम्र है वो कितनी है, 5 गुनी, अगर बेटे की उम्र 1 साल तो पिताजी की उम्र 5 साल, तो मैंने मान लिया कि बेटे की उम्र कितनी है, यक्ष साल, तो भैया पुत्र की पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 5x। फिर बोला गया कि वर्तमान समय में दोनों की आयु का योग है 7 साल, तो भैया सीधी सी बात है दोनों की वर्तमान उम्र में x प्लस 6 हो जाएगी, और दोनों का अगर ऐड कर दें तो टोटल मिला के 7 होना चाहिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, x का मान हो जाएगा 8, और x का मान अगर 8 हो गया तो दोस्तों देखो 8 जो है वो लड़के की 6 साल पहले की उम्र है, तो वर्तमान उम्र के लिए 6 साल जोड़ दो, तो 8 और 6, 14 होगा, और 6 साल बाद की उम्र पूछा है, यानी कि 20 साल हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि 20 साल हो जाएगी उसकी उम्र। क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट? जल्दी से बताइए, 20 साल बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दो बार क्यों ऐड किया, क्योंकि बेटा ध्यान देना, 8 साल जो है वो 6 साल पहले की उम्र है, तो वर्तमान उम्र के लिए पहले 6 साल जोड़ना पड़ेगा, तो 8, 6, 14 साल तो वो वर्तमान उम्र हो गई। और प्रश्न है 6 साल बाद की उम्र बताइए। प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न देखिए, 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद का मतलब क्या हुआ, वर्तमान में 6 साल और जोड़िए, तो 14 और 6 कितना हो गया बेटा, 20 हो गया, कितना हो गया, 20 हो गया, तो वही है उसकी उम्र 20 साल। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार रिप्लाई देंगे, जल्दी से बताएंगे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, माइंड में जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं एक और सवाल, अगले सवाल पर मैं आता हूं जल्दी से, और अभी मेरे तुरंत बाद आपकी रीजनिंग की क्लास है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अभी तुरंत मेरे बाद आपकी रीजनिंग की क्लास है, नहीं मत जाइए, ओ सॉरी, संस्कृत का मैराथन क्लास है भाई, संस्कृत की मैराथन क्लास है, जिसका 30 सवाल पेपर में होता है हिंदी या संस्कृत में से, तो आप में से जितने बच्चे संस्कृत लिए होंगे वो जरूर रुकेंगे और अपनी क्लास को पूरा करेंगे, मैराथन क्लास संस्कृत की है, कल से रीडिंग का फिर से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा, आज मैं केवल बता रहा हूं क्योंकि एक बार देख लो एज को एक नजर में, है ना। तो देखिए दोस्तों यहां एक सवाल दिया हुआ है, राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे, 5 साल पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। देखिए राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, कहने का सेंस यहां ले लेते हैं पिता और राजन। अब देखिए अगर पिता की उम्र यक्ष है तो राजन की उम्र कितनी होगी, यक्ष माइनस 20, क्योंकि 20 साल छोटा है, तो भैया यक्ष से 20 साल कम कर दो। आगे बढ़ते हैं, 5 वर्ष पूर्व, तो भैया फटाफट पहले 5 वर्ष पूर्व की उम्र निकालिए, तो 5 वर्ष पूर्व यानी यक्ष माइनस 5 ये हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे यक्ष माइनस 20 माइनस 5, क्योंकि उसमें से 5 घट जाएगा, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यक्ष माइनस 25, क्या लिख सकते हैं, यक्ष माइनस 25। अब देखिए क्या बोला गया, 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे, पिताजी जो है वो राजन से कितना बड़े हैं, 3 गुना, तो 3 गुना का सेंस क्या होगा बेटा, देखिए तो पिताजी की उम्र ये है यक्ष माइनस 25 इज इक्वल टू इनका 3 गुना यानी 3 यक्ष माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यक्ष माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 15। अब देखिए दोस्तों 3x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x, कैसे हो गया, तो x माइनस 3x और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 15 प्लस 25, कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस 10, सॉरी प्लस 10, है ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, चेक कर लीजिएगा क्या बोला गया था, एक बार फिर देख लूं ऊपर कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, अच्छा ये रहा, ठीक है, देखिए 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे, ठीक है, तो भैया 5 वर्ष पूर्व ये रहे, हम लोगों ने उल्टा लिख दिया है, हम लोगों ने उल्टा लिख दिया, बस यही मिस्टेक हो गई, ठीक कोई बात नहीं, मैं फिर से बना देता हूं, मैं फटाफट इसको बना देता हूं, परेशान मत होइए, बस आप लोग करते रहिए, आप लोग अपना आंसर भेजिए, आप लोग आंसर भेजिए फटाफट, ठीक है ना, जल्दी से आप लोग अपना अपना आंसर भेजिए, मैं देख रहा हूं सभी का आंसर देखता हूं मैं अभी तुरंत, जल्दी से आप लोग अपना अपना आंसर भेजिए मुझे, मैं देख रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है कि पिताजी जो है वो पुत्र की उम्र के 3 गुना है, तो भैया पिताजी की उम्र ये है ना, तो यक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू यक्स माइनस 25, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करिए फटाफट, तो अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 5, ठीक, और इधर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 25 तिया 75, कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें, यहां तक में कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बताएंगे, बोलिए बेटा यहां तक में कोई दिक्कत। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब वहां से इनको इधर ले लिया जाए तो 3x माइनस 75 हो गया, अब देखिए दोस्तों 3x को इधर लेकर आ जाइए तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 75 प्लस 5, है ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस 70 हो जाएगा, और ये भाई साहब कितने हो जाएंगे,
ये हो जाएंगे माइनस टू एक्स, कितने हो जाएंगे माइनस टू एक्स हो जाएंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब देखिए 2 से 70 कैंसिल हो गया, कितना मिला 35, यानी एक्स का मान आ गया 35। देखिए एक्स का मान 35 आ गया, और आपने एक्स क्या माना है, देखिए एक्स का मान पिताजी की वर्तमान उम्र है, वर्तमान उम्र कितनी मिल गई 35 मिल गई, तो राजन की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, भाई 35 माइनस 20 कितना हो गया 15। अब देखिए क्या पूछा गया है, प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोगों का ये है, बताना है उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो भैया पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है 35 है, यही हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नो एनी डाउट। किसी का जवाब सही है देखा जाए भाई, देखा जाए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल 35 35, वेरी गुड, समझ में आ गया, जल्दी से रिप्लाई करेंगे, समझ में आ गया ऐसा सवाल। अब चलिए मैं एक और सवाल उठाता हूं, एक और सवाल लेता हूं फटाफट तुरंत, ये रहा देखिए, ये रहा एक सवाल, देख रहे पिता की उम्र में 10 साल पहले अपने बेटे की उम्र से 3 गुना किया गया, मतलब समझ रहे हैं इस लैंग्वेज का मतलब, कि 10 साल पहले पिता की उम्र जो है वो बेटे के उम्र की 3 गुनी है। एकदम अभी ऐसा सवाल तीसरे नंबर पे आया था, मैंने आपको ट्रिक वाला तरीका बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद करिएगा। अब देखिए यहां पर पिता की उम्र 10 साल पहले अपने बेटे के उम्र की 3 गुनी है, आगे बढ़ते हैं 10 साल बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र का 2 गुना होगी, ठीक है, देखिए दोनों में अनुपात दिया गया है, दोनों का रेशियो दिया गया है, तो कैसे किया जाए, मान लेते हैं ये पुत्र हो गए ये पिता हो गए, ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट लिखा जाए। देखिए पहले क्या बोला गया, अपने बेटे की उम्र से 3 गुना है, कितना है 3 गुना है, तो 3 गुना है, यानी कि अगर बेटे की उम्र 1 है तो पिता की उम्र 3 हो जाएगी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 10 साल बाद, इसको ध्यान रखना ये 10 साल पहले की बात हो रही थी और ये 10 साल आगे चला गया, यानी टोटल कितना गैप हो गया 20 साल का, इसको ध्यान रखिएगा, ये लास्ट में लिखना है अभी, अभी पहले अनुपात लिख लें। अब देखिए पिता की उम्र बेटे की उम्र की 2 गुनी है, यानी कि पुत्र की उम्र अगर 1 है तो बेटा पिताजी की उम्र 2 हो गई। अब देखिए दोनों के बीच का जो गैप है उसको लास्ट लिख लीजिए, तो देखिए 10 साल पहले से लेकर 10 साल बाद कितने साल का गैप हुआ, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, 10 साल पहले से लेकर 10 साल बाद तक कितने साल का गैप हुआ, जल्दी से रिप्लाई दीजिए, जल्दी से जवाब देंगे, 10 साल पहले से लेकर 10 साल बाद तक कितने का गैप हुआ, जल्दी से रिप्लाई दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, 10 साल पहले से लेकर 10 साल बाद तक कितने का गैप हो रहा है, जल्दी से इसका रिप्लाई देंगे, मैं कमेंट देखता हूं, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से बताएं प्रो, फटाफट जवाब दें कि 10 साल पहले से लेकर 10 साल बाद तक कितने सालों का गैप हुआ, कितने ईयर का गैप हुआ बीच में, जल्दी बताइए, जल्दी बताए बेटा, जल्दी से आए बताया, जल्दी से बताइए, 20 20, वेरी गुड, बिल्कुल सही, कितना गैप है 20 साल, तो इसको उठा के लास्ट में देंगे, देखिए ऐसे यहां लिख दिया बस, अब बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाइए, फटाफट आंसर आएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए ऐसे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए दोस्तों तो 3 एकम 3 2 एकम 2, इस तरह से देखिए 20 गुना 40 और 20 एकम 20, सिंप्लीफाई करिए इसको, 1:20, 1 का संबंध कितने के साथ है 20, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, तो पहले पुत्र के देखो, पुत्र का यहां 1 है तो 1 रखोगे तो 20, यानी कि पुत्र की उम्र कितनी आ गई 20 साल, ध्यान देना ये 10 साल पहले वाली उम्र है ना, तो आज के लिए इसमें 10 बढ़ाना पड़ेगा, हम लोग करेंगे लेकिन पहले उस समय की उम्र निकाल लें, तो पुत्र की उम्र कितनी आ गई 20 साल, और पिता की उम्र 3 रखो यहां पर, तो 3 रखोगे तो यहां कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, पिता की उम्र अगर यहां 3 रखें तो यहां कितना होगा, जल्दी बताइए, अगर यहां 3 रखेंगे तो इसका मान कितना होगा, जल्दी जवाब दीजिए, देखिए 3 रखने का मतलब समझ रहे हैं, 3 रखने का मतलब समझ रहे हैं क्या है, यहां भी 3 से गुणा करिए और यहां भी 3 से गुणा करिए, तो यहां 3 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा 20 + 7, कितना हो जाएगा 7, यानी पिताजी का कितना हो गया 7, ध्यान रखना बेटा ये 10 साल पहले की उम्र है,
10 साल पहले पुत्र की उम्र 20 साल है, पिता की उम्र 60 साल है, तो वर्तमान उम्र का क्या अनुपात है यही बताना है। वर्तमान देखिए क्या पूछा गया, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। तो भैया 10 साल पहले ये उम्र है तो आज उम्र कितनी होगी, तो भैया पुत्र की उम्र हो जाएगी 30 साल क्योंकि 10 साल बढ़ा देंगे, और पिताजी की उम्र 60 थी तो 60 में 10 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, अनुपात कितना आया बताइए। पिताजी की उम्र था, किसका पूछा गया, पिता और पुत्र का है ना, 7:3 बना लो इसको, इसको ऐसे लिख लो, देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए 70/30 है ना, जीरो से जीरो कैंसिल, कितने का अनुपात आया, 7:3, यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। समझ में आया कि नहीं आ रहा बेटा, बताओ ये ट्रिक समझ में आ रही थी, कितना बड़ा सवाल था और उन्होंने कितनी जल्दी कर दिया, चुटकी में हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से रिप्लाई देंगे, जल्दी से जवाब देंगे, ये बताइए फटाफट बताइए समझ में आया कि नहीं है, इस तरह के सवाल समझ में आ गए कि नहीं आ गए, जल्दी बताइए दोस्तों फटाफट जल्दी से बताएंगे, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से रिप्लाई देंगे, जल्दी से बताइए समझ में आया। देखिए दोस्तों आज का टॉपिक उन्हीं के लिए है जो पढ़ने वाले लड़के हैं, टाइम पास वालों के लिए, हम ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही लेकर के आए हैं, क्योंकि कई बच्चों ने मेरे से कमेंट में कहा था कि सर इसको पढ़ा दीजिए, मैं जानता हूं कि जरूरी टॉपिक भी है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने कल भी बोला था कि कल की क्लास सबके लिए नहीं होगी, ये उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने वाले बच्चे। कैलेंडर मैं पहले पढ़ा चुका हूं, एक बच्ची ने कहा था सर कैलेंडर पढ़ा दीजिएगा, बेटा जुलाई की वीडियो चेक करिएगा, मैंने कैलेंडर पढ़ाया हुआ है, आपको मिल जाएगा पूरा एकदम, नहीं मिलेगा तो मेरे को रिप्लाई करिएगा, मैं आपको जवाब वीडियो बता दूंगा किस डेट पर है, ठीक है ना, तो खोल लीजिएगा। क्लियर हुआ, जल्दी से बताएंगे, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से जल्दी से। चलिए दोस्तों बेटा एक आखिरी सवाल, एक आखिरी प्रश्न आपके साथ इसी तरह का करते हैं और फटाफट आगे बढ़ जाएंगे, है ना, ये रहा, जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट इसका आंसर देंगे। इसको नहीं लेते हैं ये थोड़ा सा, इसको कल हम बताएंगे, इसको कल की क्लास में बता होगा, आज भी, आज इसको नहीं, आज हम लोग ले लेते हैं, हाँ ये ले लो, चलो इसको बताओ, आज इस पे काम कर लेते हैं, जल्दी बताइए, थोड़ा सा एक बार रिवीजन हो जाएगा इस तरह का सवाल पे, जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए, है ना। ये सवाल क्या है, रंजना और राखी की आयु का अनुपात इतना है, तो देखो दोस्तों अनुपात वाला सवाल है, और चूंकि यहां दो अनुपात दिए हुए हैं ये नियम लग जाएगा फटाफट। तो देखिए रंजना और राखी, ठीक, कितना अनुपात है भाई, 15/17 है ना, हो गया, आगे बढ़ते हैं। रंजना और राखी की आयु का अनुपात, ध्यान देना ये आज की आयु है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, कुछ बताया नहीं कि अभी वर्तमान है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 9:10, ठीक। अब ये बताओ दोनों में, दोनों इस अनुपात में कितने सालों का गैप है, जल्दी बताइए इन दोनों अनुपातों में कितने साल का गैप है, प्रश्न के हिसाब से जल्दी से बताएंगे कितने वर्षों का गैप है, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बता बेटा, बेटा आप लोग इस तरह से मत समझिए कितना हार्ड नहीं आएगा, पेपर का लेवल आप नहीं जानते, हम जानते हैं कैसा आएगा, इसलिए बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं आएगा, आपके साथ हर तरह का लड़का बैठने वाला है, ग्रेजुएशन का लड़का भी बैठेगा, और ये हार्ड नहीं, अगर आप इसको हार्ड कह रहे हैं तो अभी आपने हार्ड सवाल देखे ही नहीं, ये हार्ड सवाल नहीं, गलत फहमी मत रहिएगा, बिल्कुल आएगा, है ना, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए एकदम कि नहीं आएगा, हार्ड है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, ये एज का आसान सवाल, ये ध्यान रखिएगा। 6, वेरी गुड, देखो दो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनको इसे मतलब ही नहीं है कि हार्ड है कि आसान है, देखो एक लाइन से जवाब आ रहा है सर 6, 6, 6, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 6 ईयर। अब देखो बेटा फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ध्यान है ना, ये नियम उस हर सवाल में लग सकता है जहां दो अनुपात दिए हों, ध्यान देना, जहां दो अनुपात दिए हो वहां आप ये नियम लगा सकते हैं और बिल्कुल सही आंसर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट इसको लगा रहा हूं, तो देखिए 15/150 और 17/153, ठीक है दोस्तों, और यहां देख लीजिए 9×54 और 10×60 हो गया, क्लियर है बेटा। अब फटाफट इसका अंतर निकालिए, तो देखिए यहां 3 हो गया और यहां 6 हो गया, तो सीधी सी बात है कट जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, है देखिए 1 का संबंध 2 से हो गया, तो भैया क्या है, देखो
रंजना का 15 दिया हुआ है, 15 दिया है, तो रंजना की उम्र क्या हो जाएगी, तो एक रखोगे यहां पर, तो यहां पर 15 उठाओ, यहां भी गुणा कर दो 15 और यहां भी गुणा कर दो 15, तो देखो 15 यहां हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 30, यानी कि रंजना की उम्र कितनी मिल गई, 30 वर्ष मिल गई। रंजना की उम्र कितनी मिल गई, 30 वर्ष मिल गई। अब राखी की उम्र निकाल लीजिए, तो राखी की उम्र अभी 17 दी, यहां अनुपात में 17 दिखा रहा है, तो 17 रखेंगे तो 17 एकम 17 इधर होगा और 17 दूना 34 इधर हो जाएगा। यानी दोस्तों राखी की जो उम्र हो गई वो कितनी हो गई, 34 हो गई। क्लियर है, देखिए क्लियर हो गया, रंजना की उम्र आ गई कितनी 30 और राखी की उम्र कितनी आ गई 34। प्रश्न क्या है, 6 साल बाद रंजना की आयु, किसकी आयु बतानी है दोस्तों, रंजना की आयु 6 साल बाद बतानी है, तो वर्तमान आयु कितनी है 30 साल, वर्तमान आयु कितनी है 30 साल, तो 6 साल बाद कितने साल की होगी बेटा, 30+6 जोड़ दो 36 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। क्लियर है 36, किसी को डाउट, 36 वेरी गुड वेरी गुड, 36 बिल्कुल राइट आंसर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, 36 में 36 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बोलो भाई कैसा लगा ये ट्रिक, कैसी लगी तरीका, ये जल्दी ये ट्रिक कैसी लगी आप, ये नियम कैसा लगा इसका, एज के सवालों का आज अपने बुक के सवाल लगाइए, जो नहीं आता है कमेंट में जरूर बताइएगा। कल एक दिन और हम लोग अभी एज पर काम करेंगे, कल हम एज को खत्म करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से रिप्लाई देंगे, जल्दी से बताएंगे आज क्लास समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताएं बेटा, जल्दी से बताएं समझ में आया कि नहीं आया और ये ट्रिक कैसी लगी, बताइए जल्दी से जवाब देंगे, ये ट्रिक कैसी लगी, बढ़िया ट्रिक थी, हेल्पफुल है, आसान है कि नहीं, जल्दी से बताएंगे, मैं देख रहा हूं, जल्दी से बताएंगे बेटा फटाफट। अशोक जी कह रहे सर बहुत अच्छा था, माया कह रही सर बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा देखिए अपने सवालों को लगाइए है ना, और कल अभी मैं इसके और भी कुछ सवाल कराऊंगा, आज मैं 14 सवाल लिया था लेकिन जानता हूं कि आज नहीं हो पाएगा, कल अभी हम लोग और अभी लगाएंगे सवाल, अभी हम लोग आज 4-5 सवाल हुए, कल 4-5 सवाल और लगाएंगे, और ये जान लो कि एज दिमाग में क्लियर कर लो, क्योंकि 2 सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना भाई साहब कि सर इतना हार्ड नहीं आएगा, पेपर में बैठ के निकलना तब बताना, हम लोग पेपर लगातार देख रहे हैं, आप नहीं देखते होंगे, हम लोग लगातार देखते हैं पेपर, पिछले 15-10 साल का पेपर हम लोग लगातार देखते हैं, तब आपसे बात करते हैं, बिना ये सब किए बाल नहीं उड़ गए, ठीक है ना, इसी उम्र में बाल उड़ गए इसका मतलब ये बहुत मेहनत हुई होगी आपके लिए, तब ये सब हुआ है, तो ध्यान रखना बेटा ऐसे नहीं हुआ, बहुत जल्दी बहुत मेहनत हुई है इन चक्करों में, और बहुत चीजें देखी गई हैं कि कैसा कैसा पेपर हो रहा है, कैसे एग्जाम्स हो रहे हैं, और तब हम लोग आपके पास आते हैं बेटा, तो इसलिए ये मत सोचिए, हम टीचर हैं हमको मालूम है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आपका मॉडल पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, परेशान मत होइए, 21 तारीख से रीजनिंग का मॉडल पेपर चलेगा, तो जितने बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो उनको बोल दीजिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मजा आएगा, बीएसटीसी कढ़ाई हम लोग 21 तारीख से शुरू करेंगे और तब आपको देखिएगा लगेगा कि कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपसे कल मिलूंगा, ठीक है आपसे कल मिलूंगा इसी समय पर, कहीं मत जाइएगा, अभी आपकी ठीक मेरे पास संस्कृत की मैराथन क्लास है जिसमें सर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, जैसे पेपर में आते हैं वैसे होंगे, तो जिन बच्चों का संस्कृत सब्जेक्ट है वो जरूर लाइव रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, चलिए आपसे कल मिलता हूँ आज के इसी समय पर, ठीक है 12 बजे से आपसे फिर से मिलूंगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, नमस्कार, खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।